हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी रसोई विद सीमा पर। आज वीडियो सीमा नहीं, उसका भाई बना रहा है, इसलिए आवाज़ आपको चेंज लग रहा होगा। और मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करने के लिए कुछ अलग किया जाए, तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। और आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। फिर इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे, और उससे भी पहले पहले हम सारे सब्जियों को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्याज, गाजर और लहसुन काट कर रखा है। आपके घर में अगर मटर हो, बंदा गोभी हो, बीन्स हो, तो आप उसे भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। तो आपको पहले एक कढ़ाई गरम कर लेनी है, फिर उसमें अब तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद ये सब्जियों को उसमें भून लेंगे। गाजर थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए उसे अच्छे से भून लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। फिर अब इसमें हम प्याज डालेंगे। थोड़ी सी थोड़ी देर भून लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसमें हम गाजर डाल लेंगे। अब इसमें हम गाजर मिला लेते हैं, क्योंकि गाजर सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में ही डाल लेते हैं सारी चीज़ों को। इसे हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि सॉफ्ट हो जाए। गाजर को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, काफ़ी बारीक काटा है, तो ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहे तो अपने साइज़ के अनुसार काट ले, किसी किसी को थोड़ा मोटा गाजर पसंद होता है, तो आप अपने उस हिसाब से आप उसे कट कर लेंगे। बीन्स को भी आप अपने अकॉर्डिंग ही कट करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो थोड़े मोटे टुकड़े में काटें, नहीं तो फिर बारीक काट लें। ऐसे में राइस के साथ जब मिक्स होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। 5 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से भून गया है। छोटे टुकड़ों में काटने का ये एक फ़ायदा है कि ये जल्दी हो जाता है, और साथ में अगर आपके बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो उन्हें ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के देंगे, तो वो उसे खा भी लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये हरी सब्जी है, इसमें मिली हुई थी। अब इसमें हम सॉस डालेंगे, टमाटो केचप। आई मीन टमाटो सॉस डालेंगे इसमें, अच्छे से डाल लेंगे। आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाए, अगर ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो ज़्यादा सॉस डालें थोड़ा, और कम है तो हल्का सा डालें। फिर इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। इससे ये होगा कि सॉस को अगर आप हल्का भून लेंगे तो इसका टेस्ट अच्छे से निखर कर आता है। तो इसे लो फ्लेम पे सॉस डालने के बाद थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से। इसमें ज़रा सा सोया सॉस डालेंगे डार्क कलर के लिए, बस ज़रा सा, और उससे कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और इसे थोड़ी भून लेंगे फिर थोड़ी देर। आप सॉस को जितना अच्छे से भूनिएगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा आगे जाके। तो हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से, तो हो जाएगा। ये अच्छे से अब भून गया है, थोड़ी देर पक गया है सॉस। अब हम इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट मसाला। जैसे व्लॉग में सभी बोलते हैं कि हमारा सीक्रेट मसाला है, अपना बनाया हुआ, हम भी वैसे ही डालेंगे।
आई एम जॉकिंग गाइस, यह है सहजवान फ्राइड राइस मसाला, इसे हम आधा डालेंगे। आप इसे अपने स्वाद अनुसार डालें। अगर आपको चटपटा खाने का ज़्यादा शौक है तो आप पहले इसे आधा से हल्का ज़्यादा डाल के थोड़ी देर भून लें इसमें, ठीक है। और आपको ज़्यादा चटपटा नहीं पसंद तो थोड़ा सा इसमें डाल लें और थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। ऐसे ड्राई हो गया तो अब इसमें हम हल्का पानी डाल देंगे कि वो मसाला का अच्छे से फ्लेवर आ जाए पूरे में। इसमें हल्का पानी डालेंगे कि थोड़ी देर अच्छे से पानी के साथ ये पक जाए, और ऐसे मिक्स करने में थोड़ा इजी होता है इसलिए भी डाल रहे हैं। अब ये जो पानी है जब तक हल्का सूख ना जाए तब तक इसे ऐसे ही उबलने देंगे। आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या मैं मंचूरियन बना रहा हूँ या फिर सोया चिली, क्योंकि उसे भी बनाने की टेक्निक ऐसे ही है, बट नहीं, मैं फ्राइड राइस ही बना रहा हूँ। सॉस को हल्का भुनने से उसकी टेस्ट अच्छी ही हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये हो गया है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। अब इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पे वो फ्राइड राइस वाला मसाला फिर से डालेंगे, हल्का सा ऊपर से डाल देंगे। मुझे चटपटा पसंद है तो मैं ज़्यादा डालूँगा। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, फिर इसे मिक्स करके फिर से इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे चावल चिपके ना। जैसे ही 5 मिनट हो जाए, या पहले भी आप कर सकते हैं, थोड़ी देर आपको लगे कि ये पक गया है तो आप इसे बंद कर दें गैस को। ये हो गया है, अब हम गैस को ऑफ करेंगे और जाएंगे अपना बनाया हुआ टेस्ट करने कैसा लगता है। अच्छा ही लगेगा, मैं ये सब अच्छा बना लेता हूँ तो इसका भी टेस्ट अच्छा ही होगा, मुझे पता है। तो ठीक है गाइस, आप भी कभी ऐसे बनाएं। अगर आपको चटपटा खाने का मन हो, बाहर जाने का मन नहीं हो, तो तुरंत घर में बनाएं फ्राइड राइस। काफ़ी सिंपल तरीका है बनाने का, सिर्फ सब्ज़ी कट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, हल्का भूनना है और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा।